स्वागत है आपको फिर से हमारे एक और नए वीडियो पे। और आज का टॉपिक थंबनेल देख के आप समझ ही होंगे अपन लोग आज के वीडियो पे क्या बात करने वाले। आज के वीडियो पे मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स को अपलोड करते हो और वो आप फेसबुक पे भी पोस्ट करते हो, शेयर करते हो और FB पे जाकर देखते हो, तो वहाँ पर आपका रील्स ढूंढने पे मिलता ही नहीं है। तो उसे कैसे ढूंढे, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो ये वीडियो को आपको पूरा एंड तक वॉच करना, तभी आपको पता चलेगा कि आप अगर फेसबुक पे रील्स अपलोड कर रहे हो, अगर आप इंस्टा पे शेयर करके रील्स अपलोड कर रहे हो फेसबुक पे भी, तो वो रील्स आपको कहाँ मिलने वाला है फेसबुक पे। आप कैसे देखोगे कि उस पर कितना व्यूज़ आया, मेरे रील्स पर कितना लाइक आया, वो सारा का सारा चीज़ आप कैसे देखोगे, वो सारा का सारा चीज़ आज के वीडियो पे बात करने वाले। तो मेरा नाम है देवराज और आप देख रहे हो अपना चैनल YT स्मार्टी। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो, गलती से पहुंच गए हो हमारे इस वीडियो पे, तो जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे इस चैनल पे ऐसे ही सोशल मीडिया के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड होती रहती है, शायद से आपको हेल्प हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहते हो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग वीडियोस देखना। तो चलिए अब स्टार्ट करते अपना वीडियो और चलते अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आप लोगों से शेयर करते कि कैसे आप फेसबुक पे रील्स को देख सकते हो, अपना खुद का रील्स को देख सकते हो। तो चलिए चलते अब अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पॉपअप होता दिख रहा होगा। अब मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद यहाँ पर आप जब रील्स को अपलोड करते हो, कोई भी रील्स को अपलोड करते हो, सबसे पहली बार यहाँ पर मेरा ये इंस्टा आईडी है। आप मेरे को फॉलो नहीं किए इंस्टा पे तो जल्दी जाकर इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, और आपको यूजर आईडी इधर पॉपअप होता दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ से रील्स अपलोड करते हो। अगर आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक नहीं है दोनों, तो वो लिंक वाला वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, तो जल्दी से आप जाके दिख सकते हो। आई बटन पे आपको वो पॉपअप होता दिख रहा होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा उस वीडियो का। बट ये वीडियो को एंड कर लो, उसके बाद वो वीडियो जाके देखना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप कोई भी रील्स को अपलोड करते हो, अगर आप शेयर करते हो अपने फेसबुक पे, तो वो तभी शेयर होता है जब वो ऑडियो फेसबुक पे अवेलेबल होगा, तभी वो फेसबुक पे शेयर होगा। अगर वो ऑडियो अवेलेबल नहीं होगा फेसबुक पे, तब वो रील शेयर नहीं होने वाला है आपका फेसबुक पे। और बहुत सारा गाना होता है जो कि फेसबुक पे अवेलेबल होता है, तो वो रील शेयर हो जाता है। बट यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स क्या करते हैं, अपने आवाज़ पे रील्स को मेक करते हैं। और अगर आप उस पे रील्स मेक कर रहे हो, लिपसिंग कर रहे हो और अपलोड कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो फेसबुक पे अपलोड करना उस रील को, तो वो रील इंस्टा से अपलोड नहीं होगा। वो कैसे अपलोड होगा वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो पे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो पे कि अगर आप फेसबुक पे रील्स अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पर रील्स सेक्शन कहाँ है भाई, मेरा रील्स है कहाँ जमा, वो कैसे देखे, तो वही आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इंस्टा पे मेरे को काम कुछ नहीं है, तो मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ। और फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। अगर आप चाहते हो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना तो फेसबुक पे भी भेज सकते हो, बट फायदा नहीं है यहाँ भेजने से। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने भी रील्स अपलोड किया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप यहाँ दाबो, और यहाँ पर आप टीवी वाला में दाबो तो यहाँ पर सबका रील्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका रील्स का सेक्शन कहीं नहीं दिखा रहा कि आप कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं देखा। सी ऑल पे दाबो तो C5 यहाँ पर जिसको जिसको आप देखते हो वहाँ आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर प्रोफाइल पर टैप करो तो आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। यहाँ पर कहीं भी रील्स का ऑप्शन नहीं आता है। देखिए यहाँ पर कहीं रील्स का ऑप्शन आ रहा है, देखिए तो कहीं नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कहीं भी रील्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पर 3 डॉट पे भी देखोगे तो यहाँ पर भी, सी मोर पे देखोगे तो यहाँ पर भी कहीं रील्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पे भी कोई रील्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं होम में जाता हूँ और होम में जाने के बाद अगर आपको रील्स अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर रील्स अपलोड कर सकते हो टैप करके। यहाँ से आप कोई भी अपना रील्स को मेक कियो, ठीक है, मेक कियो और मेक करके इंस्टा पे पोस्ट कियो और रील्स आपका यहाँ पर शेयर नहीं हुआ, तो इंस्टाग्राम से आप इसलिए वो रील्स को डाउनलोड मार लो। और डाउनलोड मारने के बाद आप इसलिए यहाँ पर गैलरी को सेलेक्ट करके, आप इसलिए यहाँ पर फोटो उस वीडियो को सेलेक्ट करके, रील्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो फेसबुक पे। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको रील सेक्शन ढूंढना कहाँ है। तो यहाँ पर दो तरीका का रील सेक्शन आपको ढूंढना है। ठीक है, एक आपको देखिए आप मेरा फेसबुक पे चले जाना और चले जाना अपने यहाँ पर फीड पे। ठीक है, और यहाँ पर आपको नीचे करते जाना, नीचे करते जाना, और नीचे करते जाने के बाद यहाँ पर लिखाएगा रील्स एंड शॉर्ट्स वीडियो। तो यहाँ पर आप अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्रिएट टाइप का क्रिएट कर सकते हो रील्स को। अगर आप चाहते हो यहाँ पर माय रील्स, देखिए यहाँ पर माय रील्स आ रहा, तो माय रील्स पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा मेरा यहाँ पर 434 फॉलोअर्स है और मेरा यहाँ पर 0 रील्स लिखा रहा। और यहाँ पर माय रील्स पर देखिए यहाँ पर क्या लिख, यहाँ पर मेरा इतना रील्स है, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इतना रील्स है। यहाँ पर मेरा 0 रील्स क्यों लिखा रहा है, क्योंकि मैंने फेसबुक से कोई भी रील्स को क्रिएट नहीं किया। अगर आप
वहां से डाउनलोड करके यहां से क्रिएट पे टैप करके यहां पर अगर गैलरी पे सिलेक्ट करके अगर आप वीडियो को पोस्ट करते हो तो यहां पर फेसबुक का रील्स आएगा। और ये सारा का सारा रील्स जो मेरा यहां पर आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, ये सारा का सारा रील्स मैं शेयर किया हूं अपने इंस्टाग्राम से, ठीक है। यहां पर आपका यहां पर सारा का सारा रील्स मिल जाएगा, तो यहां पर आप इस तरह का से निकाल सकते हो। तो यहां पर बैक करता हूं और बैक करने के बाद ये रहा फर्स्ट आइडिया। अब आपको क्या है सेकंड आइडिया अपने रील्स को निकालने का, तो यहां पर आप प्रोफाइल पे क्लिक करो। आप प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको आएगा, देख सकते हैं पोस्ट के नीचे आएगा, फोटोज आएगा, रील्स आएगा और यहां पर आपको बहुत सारा आएगा। तो यहां पर रील्स पे क्लिक करना, और जैसे आप रील्स पे क्लिक करोगे तो आपका यहां पर फिर से रील्स खुल के आ जाएगा। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो अपने रील्स को दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो कमेंट करके भी जरूर बताना, आपका भाई आपके लिए हेल्प करेगा। अगर आपको इमीडिएट अगर प्रॉब्लम का सॉल्व चाहिए तो आप जल्दी से जाकर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरे से इजीली डीएम करके पूछ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ लाइक करना। लाइक बहुत ही कम करते हो आप लोग। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि वीडियो नहीं अच्छा डाल रहे हो भाई आप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, कमेंट करो, बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना बस। आज के वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर आप ये वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।